शांति। आज मीठे बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे जैसे बाप, जैसे बाबा भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं। बाबा कहते हैं वैसे ही आप बच्चे भी बाबा के मददगार बनो। बाबा ने कहा कि मददगार बनने के लिए प्रीत बुद्धि बनो। बाबा कहते कभी भी दुख देने का ख्याल भी नहीं आए। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे आप रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालना। बाप कहते हैं कि सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है। आपस में एक दो को कभी तंग नहीं करना, मनसा में भी किसी को दुख नहीं देना। फिर बाबा कहते कि निंदा स्तुति मान अपमान कैसे भी परिस्थिति आए, सब कुछ सहन करना है, शांत रहना है। बाबा ने कहा कि हाथ में लो नहीं उठाना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे को नहीं समझाते हैं। बाबा कहते हमेशा समझना है कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। बाबा कहते कोई कंप्लेन भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हाथ में कभी लॉ नहीं उठाना है। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को अपनी जांच करनी है। देवी गुण धारण करते हैं। बाबा कहते जो करेगा वही पाएगा। बाबा कहते अपने को आप ही राज्य तिलक देना है। बाबा कहते उसके लिए बेहद का बाबा मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है। अपने को राज तिलक देना है ना, तो बाबा कहते अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहते हैं कि गफलत नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। और बाबा ने आज सजा का तरीका बताया कि साक्षात्कार के बगैर सजा मिल नहीं सकती, कायदा नहीं है। अपने पद का साक्षात्कार होना
उसके द्वारा अनुभूति करेगी आत्मा। बाबा कहते हैं कि बच्चों को बाबा ने युक्तियाँ बहुत समझाई हैं कि किसको भी ज्ञान देते हैं, समझाते हैं तो बहुत नम्रता से, बहुत प्यार से। फिर बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलना पड़े, क्योंकि भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, और बाबा को प्यारे वही लगते हैं जो सर्विस करेंगे, वही प्यारे लगेंगे। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो परिस्थिति रूपी तूफान आने पर अथवा मनसा तूफान आने पर गिर पड़ते हैं। बाबा कहता है बाप प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलता है। अभी वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते सेवा अथवा पुरुषार्थ करेंगे तो वर्षा मिलेगा। युक्ति बताते बाबा, बैच सदा पड़ा रहे, फिर स्मृति भी रहे कि ये ऐसा, ये हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। हमको बनना है क्योंकि हम ही थे, अभी फिर से बनना है। अपनी जांच करनी है, बाबा को सच बताना है, अपना चार्ट रखना है, बाबा को सच बताना है। बाबा कहते हैं अगर बाप को नहीं बताते हैं, छिपा लेते हैं और करते रहते तो जैसे कि श्राप मिल जाता है, और फिर बाबा कहते हैं कि फिर कोई असर नहीं होता है। कोई अच्छी राय देते परंतु कोई असर नहीं होता, तो जैसे कि अपनी तकदीर को लात मार देते हैं। बहुत बहुत नुकसान बाबा कहते करते। अंत में बाबा कहते सबको साक्षात्कार होगा। बाबा कहते ट्रांसफ़र होने पर रिजल्ट निकलती है। बाबा ने अटेंशन दिलाया है विशेष कि अपनी जांच करनी है, बहुत मीठा होके रहना है, अपने चलन का रजिस्टर रखना है, और आज बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि अपने संग का भी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग की श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान में बाबा ने आज कहा है मनसा संकल्प व वृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव। मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूँ? बाबा ने कहा आप हो शिव शक्ति कंबाइंड। शिव बाबा के साथ सदैव कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहते हुए एक एक संकल्प
श्रीमत अनुसार करने वाले और उन संकल्पों के द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाने वाले। बाबा कहते हैं जिसका विशेष जो अभ्यास है वो अमृत वेले से करना है। बाबा ने कहा सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, श्रेष्ठ संकल्पों का स्विच ऑन करो तो विश्व में अशुद्ध वृत्तियों की बदबू समाप्त हो जाएगी। बाबा ने स्लोगन में कहा सुख दाता के द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना, ये बाबा के प्यार की निशानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा है मनसा संकल्प व वृत्ति के द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भाव अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे कि मैं सदा बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले शिव शक्ति कंबाइंड आत्मा हूँ। मेरा बाबा सदा मेरे साथ कंबाइंड है, महसूस करेंगे स्थिर रूपी मंदिर में प्रकटीय काल तत्व पर विराजमान। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। जैसे ही ये शक्तिशाली संकल्प मैं एकाग्र होती हूँ, इससे जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है वो बहुत पावरफुल है। ये वाइब्रेशन जो इस शक्तिशाली संकल्प से क्रिएट हो रहे हैं बहुत डिवाइन है। मैं शिव शक्ति बाबा के कार्य में मददगार हूँ। मैं बाबा की माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। बाबा के साथ सदैव कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा सुख दाता बाप समान
मास्टर सुखदाता हूँ। शिव बाबा के ऑर्डर प्रमाण चलने वाली रूप बसंत आत्मा हूँ। बाबा से कनेक्टेड हूँ। रूहानी प्रेम में समाई हुई हूँ। इस रूहानी प्रेम में शांति है, ज्ञान है, पवित्रता है, शक्ति है। बाबा की इस श्रेष्ठ वरदान से अनुभव कर रही हूँ कि मैं शिव शक्ति स्वरूप में बहुत शक्तिशाली स्टेज में स्थित हूँ। स्थिति में मुझे निंदा, स्तुति, मान, अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इंटरनली मैं बहुत डीप साइलेंस में हूँ। सर्व के प्रति मेरी स्वतः ही नेचुरल शुभ भाव है, शुभ भावना है। रूहानी आत्मिक स्नेहयुक्त दृष्टि है। आज पूरा दिन मैं इसी पावरफुल स्टेज में स्थित रहने का अटेंशन दूंगी कि मैं हूँ ही बाबा के साथ सदैव कंबाइंड शिव शक्ति, बाबा की मददगार, बाबा का राइट हैंड, बाबा का रूप बसंत। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली से अनुभव करते कि मैं आत्मा बाप का मददगार बच्चा हूँ। आज की मुरली में बाबा ने स्मृति दिलाई है कि मैं बाबा की प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। बाबा ने याद दिलाया कि मैं बाबा का रूप बसंत बच्चा हूँ, जिसके मुख से सदैव रतन निकलते। मैं बाबा का बच्चा बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने वाला निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करने वाला, कभी हाथ में लॉ नहीं उठाने वाला, बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको बाबा ने पहचान दी है, बाबा प्यार का सागर है। बाबा कहते बाबा तुमको भी प्यार का सागर बना रहा है। बाप कहते हैं कि रूहानी प्यार करने वाले सतयुगी स्वर्गवासी हैं। बाबा दुख हरता, सुख करता है। बाबा की याद के बगैर
कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो। बाबा कहते बाप समझाएंगे ना, बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए, सत्व प्रधान बनाने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। बाप हैं गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। बाबा कहते तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। ये ज्ञान तुमको मिलता है तो फिर कितनी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पान। माया जीत जगत जीत बनो, और किसी को भी बहुत प्यार नम्रता से समझाओ। तो बाप कहते बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जो सर्विस करेंगे वो ही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, और बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। ओम शांति।